नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि 2020 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, लगातार सभी पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। ऐसे में कई सारे ऐसे युवा समाज सेवी हैं, युवा नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो कि लगातार तैयारी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पार्टी उनको टिकट दे रही है। जैसे राजद से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता राजद के घूम रहे हैं, जो ये दावा करते नज़र आ रहे हैं क्षेत्र में कि पार्टी उन्हीं को टिकट दे रही है। ऐसे ही एक युवा से आज आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं। डॉक्टर उत्सव सिंह की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में रहे हैं और दिल्ली कॉलेज में लेक्चरर हैं और काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं। अभी वो सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर उत्सव जी। धन्यवाद। आप अपने बारे में बता दें। मैं सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं और कांग्रेस के आदेश पे मैं यहां आया हूं, सिवान आया हूं, अपने रघुनाथपुर क्षेत्र में बिहार की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। मैं 2003 से, वैसे तो मैं 2001 से दिल्ली हूं। 11th 12th मैंने दिल्ली में ही पढ़ाई की है। उसके बाद 2003 में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गया, वहाँ BA इकोनॉमिक्स से किया मैंने। उसके बाद मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किया मैंने। उसके बाद MPhil किया, MPhil के बाद PhD किया और PhD के बाद मैं पोस्ट जॉब कभी कर रहा हूँ। इसी दौरान अपने PhD के रिसर्च काम के सिलसिले में ही मैं साउथ अफ्रीका में रहा। साउथ अफ्रीका के बाद मैं अमेरिका में रहा और देश की और विदेश की जितनी भी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं सब में मेरे लेख आए और सब में मैंने लिखा है। मेरी किताब जो अभी आने वाली है, जो कि MD के ऊपर पहली किताब होगी और बिहार के MD के ऊपर शायद ही पहली किताब है। तो इन पूरे शैक्षणिक जीवन के साथ साथ मेरा राजनीतिक जीवन भी चलता रहा। मैं NSY से 2003 से ही जुड़ा हुआ हूं। मैं सत्यवती कॉलेज छात्र संघ में ट्रेजरर रहा। उसके बाद 2006 से 2010 तक मैं बिहार प्रदेश NSY का महासचिव रहा। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में मैंने 4 साल लगातार 2006 से 2010 तक पूर्वांचल छात्रों का प्रतिनिधित्व किया है और उसका इंचार्ज रहा हूँ। बहुत लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं और राजनीति में भी रहे हैं, ऐसे में क्या परिस्थिति है कि दिल्ली को छोड़कर आज सिवान जैसे जगह पर और रघुनाथपुर विधानसभा से लड़ने की बात कर रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि दिल्ली में बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ में था मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा था, अच्छी सैलरी थी मेरी, आराम से मेरी ज़िंदगी थी। जब मैं यहाँ आया हूँ तो ये सोच के ही आया हूँगा कि यहाँ चैलेंजेस बहुत सारे हैं और क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं यहाँ पर। लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन में जब मैंने देखा, रोज़ जब आप TV खोलते हैं या रोज़ कोई आप चैनल देखते हैं तो सिर्फ आपको हर जगह महामारी में आपको बिहारी मजदूर ही दिखेंगे। कोई घर जाता हुआ, कोई पैदल जाता हुआ, कोई पैर घसीटता हुआ, कोई अपने बक्से पे अपने बच्चे को घसीटता हुआ। ये एक ऐसा समय था जब हर इंसान को इस महामारी ने झकझोर दिया कि मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ और मेरे लोग कितने परेशान हैं। क्या हमारे यहाँ जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, क्या उनका कोई फ़र्ज नहीं बनता कि हमारे यहाँ से लोग जाते क्यों हैं? और जब लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं तो अपने ही घर में उन्हें प्रवासी कहा जा रहा है। आपकी पार्टी की विफलताओं को भी बता रहा है, जो पार्टी पिछले 60 सालों से देश में राज की है, तो आप लोगों ने प्रवासी मजदूरों के लिए आज कुछ नहीं किया, यही वजह है कि आज पैदल भूखे नंगे ऐसे सड़क पर लोग जा रहे थे। देखिए, बात यहाँ पार्टी की नहीं है, बिहार में पार्टी पिछले 30 सालों से नहीं है, पिछले 30 सालों से नहीं है। और 2011 का सेंसस हमें बताता है कि 80 लाख लोग 2011 तक जा चुके हैं बाहर, और अगर अभी के हिसाब से देखें तो हमारी अब आबादी हो चुकी है 12 करोड़ के करीब, और 12 करोड़ में 10 करोड़ के 1 करोड़ के करीब लोग बाहर हैं, यानी कि हर 10वां इंसान बाहर रहता है। तो अब आप 30 साल में देखिए कि 30 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि अब जो लोग मार्केट में जॉब के लिए आए हैं वो तो अभी इस पिछले 20 साल में पैदा हुए हैं, वो तो 30 साल पुराने तो वो है नहीं कि जो 20 साल का लड़का है। अब जैसे ये हमारे सामने है, ये इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में किया है, हमें बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की ही जरूरत नहीं है। कि पार्टी इसके लिए क्या कर रही है, कांग्रेस इसके लिए क्या कर रही है? आप भी जोर शोर के तैयारियों के साथ उतरिए बिहार में, बिहार के सत्ता में काबिज होइए, आप भी कुछ प्लान लेकर आइए, काम कीजिए। जो प्रवासी मजदूर जाकर दिल्ली में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, उनको नहीं जाना पड़े, इसके लिए कोई प्लान आप भी लेकर आइए, कांग्रेस पार्टी भी लेकर। पार्टी का बहुत ही दिनों से ये प्रयास चल रहा है और पार्टी ने बहुत कुछ इस पर किया है कि हर हाथ को काम मिले। हमें बहुत बड़े स्किल की बात नहीं करनी है, हमें छोटे छोटे स्किल की बात करनी है जिससे यहीं पे काम मिल जाए। अगर कोई बाहर जाता है तो वो बहुत बड़ा काम नहीं करता है। अगर आप माइग्रेशन को देखेंगे तो रूरल माइग्रेशन होता है, लोग यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब करने जाते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने जाते हैं। अगर वहीं हम छोटे छोटे अगर उन्हें वो दें, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें, छोड़ दीजिए, हमारे सामने बांग्लादेश का एग्जाम्पल है। बांग्लादेश हमारे बिहार की तरह ही बहुत ही कंजेस्टेड है, बहुत ही मतलब घनत्व है वहाँ पे ज़मीन आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसका विकास दर देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। तो हमें अपनी इकॉनमी को
हमें अपने लोगों को यही काम दे के यही बसाना है कि उन्हें घर छोड़ के ना जाना पड़े। कोई नहीं चाहता कि वो अपने घर से दूर रहे, अपने परिवार से दूर रहे। हर कोई चाहता है अपने घर वालों के साथ रहे, क्योंकि जब वो बाहर जाता है तो सारी चीज़ें यहाँ छोड़ के जाता है, और पैसे भेजने के साथ साथ उसकी हमेशा एक उम्मीद लगी रहती है कि मैं भी शायद अपने घर किसी दिन वापस जाऊँगा। किसी पार्टी ने इस क्षेत्र में आज तक कदम नहीं उठाया, क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? देखिए, एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तो है ही, क्योंकि शायद यहाँ लोगों को जो आम लोगों की जो बातें हैं उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि हमारे MLA का काम क्या है, कि वो किस लिए MLA बना हुआ है। उसे शायद यही नहीं पता उन लोगों को, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे MLA ने विधानसभा में गए भी हैं या गए भी हैं तो कितनी बार सवाल पूछा है। अब सिवान के ही बहुत सारे विधानसभा के जो MLA हैं, आप उन्हीं के बारे में देख लीजिए तो पता नहीं किसी ने कोई अगर पूछा होगा या नहीं पूछा होगा। तो सबसे पहले तो हमें लोगों को जागरूक करना है कि आप जिसे वोट दे रहे हैं उसका काम क्या है। आप पहले उसकी जिम्मेदारियों को समझें कि उसको आप वोट दे रहे हैं, आप उसे चुन क्यों रहे हैं। तो ये सब बातें, और इन्हीं सब बातों के साथ मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। लोगों में बहुत उत्साह है कि कोई नया आएगा और कुछ नया होगा। आप जैसे प्रत्याशी जब फील्ड में उतर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जीते हुए जो आज तक ये भी नहीं जानते कि विधानसभा में क्या सवाल करना है। ऐसे परिस्थिति में आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्लान के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्लान पर काम करेंगे अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है? देखिए, जनता का आशीर्वाद तो सर्वोपरि है। अगर जनता आशीर्वाद देती है, अगर मैं चुन के जाता हूँ, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि बिहार 65% आबादी बिहार की युवाओं की है, और ये सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा आबादी, युवा आबादी वाला प्रदेश है। और आने वाले समय में वर्ल्ड का 40% लेबर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जाएगा, जो कि स्किल्ड नहीं होगा, अनस्किल्ड होगा। अगर इन लोगों को हम किसी भी तकनीकी शिक्षा या गुणवत्त शिक्षा नहीं दे पाते, किसी भी स्किल की ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं, तो ये हमारे लिए वरदान की जगह अभिशाप हो जाएगा। अभी हम पॉपुलेशन डिविडेंड में है, लेकिन हम ये हमारे लिए बोझ बन जाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी और हमारे पार्टी की, राहुल जी लगातार इन सब चीज़ों पर चर्चा करते रहे कि हम कैसे लोगों तक हर हाथ को कैसे काम दें। और इसके लिए मतलब आपको छोटे छोटे स्किल सेंटर खोलने होंगे। अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत बैंड बाजे के साथ एक स्किल इंडिया मिशन, जो कि मनमोहन सिंह ने खोला था, उसको मंत्रालय में तो बदल दिया, लेकिन कुछ ही छः महीने या एक साल पे वो मंत्रालय ऐसा फेल हुआ कि मोदी जी को अपने मंत्री, जो हमारे बगल के ही क्षेत्र के रूढ़ी जी हैं जिनको मंत्री बनाया गया था, उन्हें हटाना पड़ा और आज तक वो मंत्री नहीं बन पाए, दोबारा जीतने के बाद भी। तो इस सरकार की विफलता को तो आप वहीं से समझ सकते हैं कि स्किल इंडिया को कैसे इसने बर्बाद किया है। उत्सव जी, आप रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पार्टी आपको टिकट देगी इसलिए आपको पार्टी भेजी है, लेकिन आपको एक चीज़ की जानकारी होगी कि राजद और कांग्रेस बिहार में गठबंधन में है, और इस रघुनाथपुर में गठबंधन के ही विधायक हैं RJD से हरिशंकर यादव, तो कहीं ना कहीं आप उनके खिलाफ ही तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है इस बार उनका टिकट काट के आपको टिकट? देखिए, मैं किसी के खिलाफ तैयारी नहीं कर रहा हूँ, हमारे सिटिंग विधायक है। अगर गठबंधन रहता है तो पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं पार्टी से अलग कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, और जो भी मैं करूँगा वो पार्टी के आदेश पे करूँगा। और अगर RJD को टिकट मिलता है मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बिल्कुल अलग जाके कुछ करने वाला हूँ, पार्टी ने कहा है तैयारी करने के लिए मैं कर रहा हूँ। जानना चाहेंगे कि दिल्ली के राजनीति में और बिहार के राजनीति में बहुत फर्क है, चूंकि आप दिल्ली में रहे हैं लेकिन रहने वाले आप बिहार के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात की जानकारी होगी कि दिल्ली की जो राजनीति होती है वो दूसरे तरीके से होती है और बिहार की राजनीति दूसरे तरीके से होती है, तो इतना टफ हो जाएगा आपके लिए बिहार का चुनाव, कैसे सामना कर पाएंगे? देखिए, बिहार मतलब जैसे आपको लग रहा है कि बिहार से मैं बहुत मतलब अलग रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिहार से अलग रहा हूँ। मैंने PhD किया है, उसका वो मैंने बिहार के डेवलपमेंट इश्यूज़ पे ही किया है। MDG एक UNDP का गोल है, मैंने उस पर जो 7 गोल्स हैं उसमें भूखमरी से लेके मैटरनल मोर्टेलिटी से लेके जो कैसे आगे बढ़ाया जाए किसी क्षेत्र को, उस पर किया। और जब मैं अभी एक और रिसर्च कर रहा हूँ, पोस्ट डॉक्टर रिसर्च, वो भी इन्हीं सब मुद्दों पर कर रहा हूँ। तो मैं बिहार से हमेशा ही जुड़ा रहा हूँ, मैं फील्ड वर्क के लिए हमेशा यहाँ रहा हूँ, मैं लोगों के बीच हमेशा गया हूँ, और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनसे अलग हूँ। और जब मैं जाता हूं लोगों के बीच तो उन्हें भी नहीं लगता कि कोई हमारे बीच नया आया है। मैं तो यही कह रहा हूं। प्रत्याशी ऐसे भी आते हैं जिनको चुनाव जिताने के बाद जनता भेज देती है, वापस फिर 5 साल जाकर दिल्ली में बैठ जाते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दिल्ली में जाके बैठे हूँ, मेरा तो घर ही यहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो घर ही यहीं है, तो मुझे तो यहीं रहना है। काफ़ी दिन से दिल्ली आप रहे हैं, हो सकता है आपको जनता चुनाव जिताए फिर आप दिल्ली चले। दिल्ली में अपने पढ़ाई के लिए गया था, क्योंकि अब मैं ही नहीं, अब आप देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, अब आप बताइए सिवान में कौन रहेगा? 3 साल की डिग्री यहाँ 5 साल में होती है। आपको अगर PhD करना हो तो आपको या तो छपरा जाना होगा या आपको पटना जाना होगा, और वो भी आपका अगर इस साल अप्लाई करेंगे तो अगले 2 सालों में हो सकता है कि आपका नंबर आए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा?
आप अगला आगे की पढ़ाई चाहते हैं तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो रह के आप पढ़ाई कर नहीं सकते हैं। पूरे बिहार में टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन नहीं है, आपकी 12 करोड़ की आबादी है और आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आप 3 जिलों में देख लीजिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, कितने मेडिकल कॉलेज है, स्किल ट्रेनिंग के आपके यहाँ कुछ नहीं है, बीएड का कोई कॉलेज नहीं है। तो एक युवा जब पढ़ने के लिए निकलता है तो 10वीं तो किसी भी तरह वो कर लेता है, पटना कर ले, रांची कर ले, कहीं से कर ले, लेकिन जब उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है तो वो क्या करेगा। अब ये तो यहाँ के लोगों को सोचना है, ये हमें और आपको सोचना है कि हम जाए नहीं तो क्या करें, अगर हमारे पास कॉलेज नहीं होगा तो हम क्या करें। दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो पढ़ने के लिए गए हुए थे, चुनाव जीतने के बाद भी जाएंगे क्या? नहीं, हम चुनाव जीते, हमारी पढ़ाई खत्म हो गई वहाँ से, अब हम यहाँ आए हैं और वहाँ तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, तो यहाँ मैं आ रहा हूँ तो 1 लाख की नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार रघुनाथपुर की जनता डॉक्टर उत्सव जी को अपने ये के विधायक प्रतिनिधि के रूप में देखेगी क्या? देखिए, लोगों में बड़ा उत्साह है और वो लोग नए चेहरे को, नए मतलब एक नए विकल्प को ढूंढ रहे हैं, नए चेहरे को ढूंढ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि पढ़ा लिखा है। अब आप देख लीजिए जितने लोग घूम रहे हैं या जितने लोग कैंडिडेट हैं, आपसे तो क्या, आप तो कितने लोगों को आप इंटरव्यू कर चुके होंगे, तो कितने लोगों के पास क्या क्या शिक्षाएं हैं, वो राजनीति के अलावा क्या करते हैं, आप उनसे यही पूछ लीजिए तो शायद वो यही ना बता पाए कि राजनीति के अलावा करते क्या है, कि उनका सिर्फ पैसा ही राजनीति है या इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं। इस सोच को बदलने के लिए ही मैं आया हूँ और साथ ही अभी जो मेरी अपनी प्लानिंग है, मैं खुद ही अपना बीएड कॉलेज की भी तैयारी में हूँ जो अभी रघुनाथपुर क्षेत्र में ही खुल 1-2 महीने में फाइनलाइज हो जाएगा, मैं वहाँ शुरू करने वाला हूँ। और मेरी धर्मपत्नी जो कि अभी US में साइंटिस्ट है तो वो भी वहाँ है और वो भी बहुत जल्दी प्लानिंग में है कि वो भी यहीं लौट के आएंगे और हम रिसर्च सेंटर भी शुरू करने वाले हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। चलिए, तो ये थे डॉक्टर उत्सव सिंह जिनका बहुत सारा प्लान है सिवान को लेके, रघुनाथपुर को लेके, और आने वाले दिनों में रघुनाथपुर के लिए काम भी करेंगे, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। लेकिन अब ये चुनाव में ही तय होगा कि पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं, अगर पार्टी टिकट देती है तो जनता इनको अपना आशीर्वाद देती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।